कार्बन के बारे में सुनते ही हमें कोयले का ख्याल आता है, जिससे हम कमरे को गर्म रखते हैं, चीजों को भूनते हैं या ग्रिल करते हैं। जलता हुआ कोयला कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। दरअसल कार्बन अपने सभी रूपों में ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। हाँ, हीरा भी जलता है। मशहूर वैज्ञानिक ने हीरों को कार्बन साबित करने के लिए उसे आग में जला दिया था। ये ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया होती है। जब हम कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं तो भी ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। केरोसिन, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि कार्बनिक यौगिक हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जैसे खाना बनाने में प्रयुक्त तो होने वाली गैस पारदर्शी ज्वाला के साथ चलती है, क्योंकि उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन होते हैं जो पारदर्शी ज्वाला देते हैं एवं बिना धुएं के जलते हैं। पर ये असंतृप्त यौगिक पीले रंग की ज्वाला एवं धुएं के साथ जलते हैं। लकड़ी, टायर, कागज आदि काले धुएं के साथ जलते हैं, क्योंकि इनमें असंतृप्त यौगिक होते हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन की मात्रा सीमित कर दी जाए तो दहन अपूर्ण रह जाएगा, और इस केस में संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी धुएं के साथ जलते हैं। जैसे इस प्रकार के केरोसिन लैंप में ऑक्सीजन के लिए थोड़ी जगह होती है, यदि इस जगह को बंद कर दिया जाए तो ज्वाला अधिक प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाएगी और अधिक धुआं उत्पन्न होगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।